आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मरियम और यूसुफ की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको मत्ती और लुकक के सुसमाचार में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब दाऊद वंशी यूसुफ की सगाई मरियम नामक एक स्त्री से हो चुकी थी। तब एक दिन जिब्राइल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास भेजा गया। उस समय मरियम गलील के नासरत में रहा करती थी। तब उस स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। जब मरियम ने यह वचन सुना तो वह घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा अभिवादन है। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। इस पर स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब वह स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रियो, यहाँ मैं आपको मरियम के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ जो हमें सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया तो उससे कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। उस समय मरियम ही वह स्त्री थी जिसे परमेश्वर अपनी बड़ी योजना के लिए चुना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने मरियम ही को क्यों चुना? उस समय इज़राइल राष्ट्र में और भी स्त्रियां थीं, लेकिन सिर्फ मरियम पर ही परमेश्वर का अनुग्रह क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि मरियम परमेश्वर से प्रेम रखती थी और उसका भय मानती थी, और इसलिए वह पवित्र थी, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। हाँ प्रियो, जो लोग यहोवा से प्रेम रखते हैं और उसका भय मानते हैं वही उसके मार्गों पर चलते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहोवा का भय हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। मरियम ने अपनी यौन शुद्धता को बनाए रखा। वह तब तक कुंवारी रही जब तक उसका विवाह यूसुफ से नहीं हुआ। प्रियो, मरियम का जीवन आज के उन सभी लड़के और लड़कियों के लिए आदर्श है जो अपनी जवानी की अवस्था में है, क्योंकि आजकल बहुत से जवान विवाह के पहले ही शारीरिक अभिलाषाओं के अधीन कामुक होकर अपने कौमार्य को खो देते हैं। मैं उन सभी लड़कियों को जो अपनी जवानी की स्थिति में हैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने भावी जीवन साथी के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है कि विवाह का बिछौना पवित्र या निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हाँ प्रियो, आज के समय में बहुत से जवान संयम न रखने के कारण विवाह से पहले ही संबंध बना लेते हैं, जो कि वचन के अनुसार गलत है। परमेश्वर ने विवाह को आदर की बात कहा है और वह चाहता है कि विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे, अर्थात परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक जवान लड़का या लड़की विवाह से पहले संयम रखे और अपने भावी जीवन साथी के लिए अपनी पवित्रता या कौमार्य को बनाए रखें। इसके साथ ही प्रियो, हम मरियम से यह भी सीखते हैं कि जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, और फिर स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु के बारे में सब बातें बताई कि वह कैसा पुत्र होगा।
तो मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने इन शब्दों के साथ अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया। अब प्रियो, आप कल्पना करके देखिए कि मरियम एक ऐसे समाज में रह रही थी जो धार्मिक पंथ के कट्टर थे। उस समाज में किसी कुंवारी स्त्री का गर्भवती होना शर्म की बात थी तथा इसके लिए उसे सजा भी दी जाती थी। लेकिन मरियम ने किसी भी बात की परवाह किए बगैर अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कोई कुंवारी स्त्री गर्भवती होती है तो उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाज के लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, उसे तरह तरह के नाम दिए जाते हैं, और यही नहीं, जिस बच्चे को वो अपने गर्भ में पाल रही होती है उसके लिए उसे अपने शरीर में भी कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि मरियम ने किसी भी बात की चिंता नहीं की। उसने चिंता नहीं की कि समाज के लोग क्या कहेंगे, उसने चिंता नहीं की कि शारीरिक रूप से उस बच्चे को जन्म देने के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने आप को दे दिया। वैसे ही प्रियो, हमें भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को दे देना है, फिर चाहे हमें तकलीफ ही क्यों ना उठाना पड़े। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी महिमा का पात्र बनाता है। प्रियो, जब कभी हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें तकलीफ भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन हम उससे डरे नहीं, क्योंकि उस समय भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है, जैसे उसने मरियम की सहायता की। क्योंकि जब मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हुई तो उसके मंगेतर यूसुफ को यह बात पता चली। तब हम देखते हैं प्रियो कि यूसुफ ने मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार किया, क्योंकि वह उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। जब वह यह सब सोच ही रहा था तो प्रभु का एक दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया और उसने यूसुफ से कहा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा पाकर अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आता है। तब कुछ दिनों के बाद ऑगस्टस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। तो सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, जो कि दाऊद के वंश से था, अपना और मरियम का नाम लिखवाने के लिए गलील के नासरत से दाऊद के नगर बैतलहम को गया। जब वह बैतलहम पहुंचे तो वहां उनके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी। तब एक गौशाले में उन्हें ठहरने की जगह मिली और वहीं रहते हुए मरियम के जन्मने के दिन पूरे हुए और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उन्होंने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा और उसका नाम यीशु रखा। प्रियो, अब यहाँ मैं आपको यूसुफ के जीवन की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। यूसुफ के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन बाइबल में उसके लिए जितना लिखा है वह हमारी शिक्षा के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले प्रियो, हम यह देखते हैं कि जब यूसुफ को यह पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसने उसे चुपके से त्यागने का फैसला लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मरियम की बदनामी हो या उस पर कोई कलंक लगे। प्रियो, आज ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो किसी को बदनाम करना ना चाहते हों। आजकल लोग छोटी छोटी बातों के कारण किसी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन हम यूसुफ के जीवन में यह देखते हैं कि जब उसे मरियम की गर्भवती होने का पता चला तो उसने उसे बदनाम नहीं किया। वह चाहता तो महायाजकों और फरीसियों के पास जाकर मरियम के ऊपर आरोप लगा सकता था कि मरियम ने उसे धोखा दिया है, और व्यवस्था के अनुसार उसे दंड देने के बारे में भी वह सोच सकता था। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उसकी धार्मिकता इस बात से सिद्ध होती है कि उसने मरियम को बदनाम करने का विचार तक नहीं किया और ना ही उसके बारे में सोचा। इसके साथ ही प्रियो, हम यह भी देखते हैं कि यूसुफ आज्ञाकारी था।
क्योंकि जब स्वप्न में स्वर्गदूत के द्वारा उससे यह कहा गया कि तुम मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, तो नींद से जागने के बाद वह मरियम के यहाँ जाकर उसे अपने घर ले आता है। वह यह नहीं सोचता कि मैंने तो सपना देखा है और सपने सच कहाँ होते हैं। यूसुफ अगर चाहता तो स्वर्गदूत की बात को एक सपना समझकर मरियम से रिश्ता तोड़ सकता था, परंतु यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। जो कुछ भी सपने में उसे स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया उसने उसे पूरा किया। वह तुरंत उठा और मरियम को अपने यहाँ ले आया। प्रियो, यहाँ हम यूसुफ की आज्ञाकारिता को देखते हैं कि उसने प्रभु की बात मानने में देरी नहीं की। वह आज्ञा पाकर उसे तुरंत पूरा भी करता है, और यही काम हमें भी हमारे जीवन में करना है, क्योंकि आजकल के मसीही लोग वचन से परमेश्वर की आज्ञा तो पाते हैं लेकिन उसे मानते या करते नहीं हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ प्रियो, कि आज्ञाकारिता ही आशीष लेकर आता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उसके कई अनुसार करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्गीय आशीष प्रदान करता है। यूसुफ परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा और वह किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं? जरा इस बात पर विचार करें। अंत में मैं आपको यूसुफ के बारे में यह भी बताना चाहती हूँ कि ना सिर्फ यूसुफ धर्मी था, ना सिर्फ वह आज्ञाकारी, परंतु वह एक जिम्मेदार व्यक्ति भी था। क्योंकि जब यूसुफ ने मरियम को अपने घर लाया तो उसने अपने पति होने के फर्ज को पूरी तरह निभाया। उसने वह सब कुछ किया जो एक पति को अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए, यह जानते हुए भी कि उसकी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वह उसका नहीं है। यूसुफ ने अपनी पत्नी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब नाम लिखवाई का समय आया तो यूसुफ गर्भवती मरियम को नासरत से बैतलहम तक ले गया, जो लगभग 4 दिन की यात्रा थी। उसने यह नहीं सोचा कि यह तो मेरा बच्चा नहीं है, मैं क्यों इसके लिए इतना करूं? नहीं प्रियो, यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। बस वह अपने हर फर्ज को पूरा करता गया, जिससे हमें उसकी कर्तव्य निष्ठा का मालूम पड़ता है कि वह कितना जिम्मेदार व्यक्ति था। यही नहीं प्रियो, यूसुफ ने इस संसार में प्रभु यीशु को अपना नाम दिया, क्योंकि भले ही यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम के गर्भ में आए थे लेकिन इस संसार में उनके सांसारिक पिता यूसुफ ही थे जिन्होंने यीशु को अपना नाम दिया था, और इसलिए लोग यीशु को बड़ाई का पुत्र कहा करते थे। प्रियो, यूसुफ कोई राजा महाराजा नहीं था और ना ही वह किसी धनी परिवार का सदस्य था। वह एक साधारण मनुष्य था और वह एक आम नागरिक भी था, लेकिन परमेश्वर ने उस साधारण व्यक्ति को असाधारण बना दिया, क्योंकि वह एक धर्मी आज्ञाकारी और जिम्मेदार व्यक्ति था। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ऐसे ही लोगों को चुनता है जिनका जीवन साधारण है लेकिन वह अपने हर काम में ईमानदार हो। परमेश्वर अपनी ख्याति, प्रतिष्ठा या पैसा नहीं चाहता, वह सिर्फ आपका धर्मी जीवन और ईमानदारी चाहता है ताकि आपके द्वारा वह अपनी महिमा करा सके। आशा करती हूँ प्रियो, मरियम और यूसुफ की यह घटना आपके लिए आशीषमय रही होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।